नमस्कार, मैं नेहा साहिन, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिना कारण आवेदनों को रद्द करने पर होगी कार्रवाई। लॉन्च किया गया बिहार वन पोर्टल, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ। 10 दिन से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। बिहार की नदियों का उफान और बढ़ेगा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को किया गया अलर्ट। रोहित शर्मा ने 3 दिग्गजों को दिया T20 विश्व कप जीतने का श्रेय। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बिना कारण आवेदनों को रद्द करने पर होगी कार्रवाई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने दाखिल खारिज समेत अन्य योजनाओं में देरी और खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। विभाग ने बिना सटीक कारण बताए आवेदनों को रद्द करने वाले सीओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया है कि जिन अंचलों में दाखिल खारिज के मामले अधिक संख्या में लंबित है या बड़ी संख्या में आवेदनों को रद्द किया गया है, उन अंचलों की जाँच संबंधित भूमि सुधार अपर समाहर्ता को सौंपी जाए। जांच की रिपोर्ट भी राजस्व विभाग को भेजनी होगी। लॉन्च किया गया बिहार वन पोर्टल, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ। बिहार के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफिस दर ऑफिस भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है बिहार वन पोर्टल। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इस पोर्टल के माध्यम से अब आम नागरिक सीधे एक ही प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बिहार वन पोर्टल से लोगों को सिंगल साइन ऑन और सिंगल विंडो की सुविधा मिलेगी जिससे आवेदन करना और भी आसान हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विकास पर कुल 85.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 10 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। आज से ओपीडी में मरीज करवा सकेंगे इलाज। कोलकाता में डॉक्टर की हत्याकांड के विरोध में पटना के IGIMS, पटना एम्स, NMCH और PMCH के चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल बुधवार को देर रात समाप्त हो गई। अस्पताल में ओपीडी सेवाएं आज से बहाल कर दी गई हैं। इससे मरीजों को काफ़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और सीनियर डॉक्टरों के द्वारा जूनियर डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने की बात पर यह हड़ताल समाप्त की गई। IGIMS रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रजत कुमार ने बताया कि ओपीडी समेत सभी विभागों में मरीज अपना इलाज करा सकेंगे। बिहार में बजटीय मांगों के लिए समर्थ पोर्टल की अनिवार्यता। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगों को केवल समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय अब अपने बजट को समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहले ही हार्ड कॉपी में बजटीय मांगें जमा कर दी गई हैं, इसलिए इसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने इस संबंध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजा है। समर्थ पोर्टल की शुरुआत 2019 में की गई थी जिसका उद्देश्य बजट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इस पोर्टल के माध्यम से बजट प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार होगा और उच्च शिक्षा संस्थानों पर निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार की नदियों का उफान और बढ़ेगा, SDRF NDRF को किया गया अलर्ट। बिहार की नदियों का जलस्तर और अधिक बढ़ सकता है। जिलों में बाढ़ से राहत की तैयारियां जो है शुरू कर दी गई है। NDRF और SDRF को अलर्ट किया गया है। बिहार में गंगा, कोसी, सोन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल ये नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल संसाधन विभाग ने अपने तटबंधों को सुरक्षित होने का दावा किया है। वही स्थानीय स्तर पर प्रशासन की तरफ से बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव की तैयारी की गई है। SDRF और NDRF की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। पटना का प्रदर्शन अटल पेंशन योजना में सबसे खराब, गया ने किया शानदार प्रदर्शन। बिहार में अटल पेंशन योजना का लाभ लेने में पटना का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। राज्य के सभी 38 जिलों में पटना अंतिम पायदान पर रहा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में पटना के बैंकों ने निर्धारित लक्ष्य का केवल 78% हासिल किया। इसके विपरीत पटना के सटे गया जिले ने इस योजना में शानदार प्रदर्शन किया है। गया की 267 बैंक शाखाओं ने लक्ष्य से 340% अधिक उपलब्धि हासिल की है। नवादा, बांका, औरंगाबाद और अरवल जैसे जिलों ने भी अटल पेंशन योजना में बेहतर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभुकों को 60 साल की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपए की पेंशन दी जाती है। बिहार की 20 ट्रेनें 24 अगस्त से कैंसिल, 10 ट्रेनों के रूट में बदला। बिहार की 20 ट्रेनें 24 अगस्त से कैंसिल रहेंगी। 10 ट्रेनों के रूट में चेंज किए गए हैं। दामोह स्टेशन पर तीसरी लाइन से जुड़े काम के कारण ये निर्णय लिया गया है। जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उनके नाम आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही जो ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी उनके नाम भी हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इन पदों में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन पदों पर नियुक्तियों के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि जर्जर सरकारी स्कूलों की पहचान के लिए सभी विधायकों और विधान पार्षदों से 10-10 स्कूलों की सूची मांगी गई है। इन स्कूलों के भवनों का जीर्णोद्धार राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा और कुछ जगहों पर ये काम पहले से ही शुरू कर दिया गया है। मदरसों में सिलेबस से जुड़े विवाद पर मंत्री ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों को छानबीन के निर्देश दिए गए हैं। बिहार पुलिस की नई स्थानांतरण नीति का प्रारूप तैयार, गृह जिले में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक नई स्थानांतरण नीति का प्रारूप तैयार किया है, जिसके अनुसार सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पदाधिकारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले या क्षेत्र में नहीं की जाएगी। नई नीति के अनुसार एक जिले में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पदाधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल 5 साल होगा। इसके अलावा एक क्षेत्र या इकाई में भी कार्यकाल अधिकतम 8 वर्ष का होगा। इसके अतिरिक्त पति पत्नी के एक ही कार्यस्थल पर पदस्थापन और परिवार की देखभाल के लिए ऐच्छिक पदस्थापन की नीति अधिकतम 8 साल निर्धारित की गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस प्रारूप को सभी जिलों के IG, DIG को भेजकर उनके सुझाव मांगे हैं। उसके बाद नई नीति की अधिसूचना जारी की जाएगी। पहचान छिपाकर पटना में रह रहा था अफगानी नागरिक, पुलिस ने केस किया दर्ज। पटना में एक अफगानी नागरिक द्वारा अपनी मूल नागरिकता छिपाकर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने का मामला सामने आया है। आरोपित वली खान ने 16 मार्च 2023 को पटना पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट प्राप्त किया था। पासपोर्ट कार्यालय में जब जांच की गई तो वली खान अफगानी नागरिक होने की जानकारी मिली। इस मामले को लेकर 23 नवंबर 2023 को रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ताविसी बहल पांडे ने SSP राजीव मिश्रा को शिकायत की थी। इसके बाद गांधी मैदान थाना में 16 अगस्त को बली खान के खिलाफ IPC की धारा 467, 468, 471 और पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं इस संबंध में गांधी मैदान थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि पूछताछ में वली खान ने यह दावा किया है कि वे पिछले 20 से 25 साल से पटना में कपड़ा का व्यवसाय कर रहा है और उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित सभी दस्तावेज सही हैं। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। वली खान को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है और मामले की जाँच जारी है। उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अमेरिकी कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी, बिहार के 300 लोगों से 5 करोड़ की ठगी। अमेरिका की ऑनलाइन GMR मार्केटिंग कंपनी ने बिहार के लगभग 300 लोगों से 5 करोड़ रुपए की ठगी की है। साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह ने लोगों को कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और उन्हें रोजाना
15 से 25 ऐप डाउनलोड करने को कहा। ठगों ने सिक्योरिटी मनी के नाम पर विभिन्न लेवल पर 1800, 4800, 15,800, 51,800 और 1,25,800 रुपए जमा कराए। शुरू में कंपनी ने जुड़े लोगों को रकम भी दी, लेकिन बाद में ये रकम देना बंद कर दिया। बिहार की राजधानी पटना के रामकृष्णा नगर के रहने वाले भूषण सिंह भी इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे 11 अप्रैल को इस कंपनी से जुड़े थे। उन्होंने अन्य लोगों को भी इस कंपनी से जुड़वा दिया। कंपनी ने शुरुआती दिनों में भुगतान किया, लेकिन बाद में भुगतान पूरी तरह से बंद हो गया। इसके बाद ठगी का पता चलने पर भूषण और अन्य पीड़ितों ने साइबर थाने में केस दर्ज करवाया है। इंटर में स्पॉट नामांकन का आज आखिरी दिन, जल्द कराए एडमिशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर सत्र 2024-26 की स्पॉट नामांकन की आज अंतिम तारीख है। पहले ये तारीख 12 से 17 अगस्त तक निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। स्टूडेंट्स अब OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह स्पॉट नामांकन उन सीटों पर हो रहा है जो अभी भी खाली है। जो छात्र किसी कारणवश पहले नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे, वे आज तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, निर्माणाधीन थाना और बाईपास का किया निरीक्षण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत मुजफ्फरपुर हाजीपुर फोरलेन के निर्माणाधीन बाईपास NH 77 का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने तुर्की थाने के भवन का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे ताकि मुख्यमंत्री की यात्रा सुचारू और सुरक्षित रहे। उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने पेश किया संपत्ति का ब्यौरा। बिहार में 2 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर चुनाव की हलचल तेज है। ये सीटें बीजेपी के विवेक ठाकुर और RJD की मीसा भारती के सांसद बनने के बाद खाली हुई हैं। अब इन सीटों पर NDA के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी पेश किया है। उपेंद्र कुशवाहा के पास विभिन्न बैंकों में 28,28,000 रुपए जमा है। एक इनोवा गाड़ी, 5 लाख रुपए के जेवरात और 35 लाख रुपए की खेती की जमीन है। हालांकि उनकी कुल देनदारी 12.36 लाख रुपए है। वहीं उनके पत्नी के पास 14 लाख रुपए के गहने और 2.5 लाख रुपए नगद है। अब बात करते हैं मनन कुमार मिश्रा की संपत्ति की, तो उनकी कुल संपत्ति लगभग 3,93,92,000 रुपए की आंकी गई है। रोहित शर्मा ने 3 दिग्गजों को दिया T20 विश्व कप जीतने का श्रेय। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने जून के महीने में T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को रौंदा और 11 साल की ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया और 11 साल की ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया था। इस जीत को लेकर लगभग 2 महीने बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 3 दिग्गजों को क्रेडिट दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़, चयन समिति के अध्यक्ष अजीत आगरकर और BCCI सचिव जय शाह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। रोहित ने माना कि इन सभी के सहयोग से ही टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और विश्व कप का खिताब जीता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अजमेर, संजीव कुमार, करण कुमार, छोटे लाल दास, मनोज कुमार सिंह, राम बाबू दास, बाबूलाल मरांड, अनिल कुमार रजक, गोनर शर्मा, मोहम्मद असगर कमल, शंकर कुमार गुप्ता, विनोद शाह, राकेश मिश्रा, सपना कुमारी, वैद्यनाथ ठाकुर, विनोद शाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने से आपको कितनी राहत मिली है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।